हेलो दोस्तों, कैसे हो। बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो लेके आए हैं, वो है यामाहा एफजेड एक्स के ऊपर। तो ये जो क्लाइंट है उन्होंने दिए थे गाड़ी, इसको फुल टूरिंग सेटअप लगाने के लिए, जो कि हम लोग ने बनाया है ये क्रैश गार्ड। तो ये क्रैश गार्ड में हम लोग कुछ पॉइंट किए हैं यहाँ पे, ताकि जब जेरिकन लेना होगा तो यहाँ पे यहाँ से क्लैम करके जेरिकन लग जाएगा, डायरेक्ट इसको फिट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दो स्लाइडर दिया गया है और इसका ये पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और यहाँ से है। तो ये हो गया क्रैश गार्ड और दोनों साइड में एक ही है। और दूसरी जो चीज़ है, फोर इंडिकेटर लगाया गया है जो इमरजेंसी के लिए, एक मोबाइल माउंट किया है इसके लिए हम लोग ने, ये अलग से लगाया है हम लोग। ये लुकिंग ग्लास टू लुकिंग ग्लास है। तीसरा जो काम किया गया है टॉप रैक, और इसके साथ आता है ये एडजस्टेबल बैकरेस्ट, इसको यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते, इसको ढीला देके नट को लूज करके ऊपर नीचे आपके हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा है ये सैडल, यहाँ पर भी दो पॉइंट दिए गए हैं, अगर कभी कुछ लगाने की ज़रूरत पड़े यहाँ पे भी आप लोग लगा सकेंगे, जैसे कि जेरिकन हो गया। और वैसे भी यहाँ पे तो सैडल बैग रहेगा ही, अगर सैडल बैग यहाँ पे रहेगा तो जेरिकन सामने लग जाएगा। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट किया गया है ताकि बांजी कॉर्ड से इसको बांध सके। तीसरा जो काम किया गया है, चौथा जो काम किया गया है वह है फुटरेस्ट, लेडीज़ फुटरेस्ट है, प्लस इस साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट को ये काट करके इसमें पैर से इसमें घिसे ना, इसमें कोई क्रैचेस ना आए। और इसमें एक एक्स मार्क किया गया है इसके डिज़ाइन के हिसाब से, ये टोटली हैंडमेड है। इस साइड पे भी एक फुटरेस्ट लेडीज फुटरेस्ट दिया गया है और इस पे भी हम लोग ने एक्स बनाया गया है। चौथा जो पांचवा जो काम किया है तो ये फ्लैग स्टैंड है, और इसमें इस नट को ढीला देने के बाद इस पर फ्लैग लगा के इसको टाइट करने से वो कस जाएगा, फ्लैग इसमें एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप खोल के भी रख सकेंगे, यहाँ पे भी नट दिया गया है। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो आप लोगों को काम कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, गुड बाय।